फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा एकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। कल हमने 10th क्लास का टॉपिक लिया था, आज हम लेंगे क्लास 12th का टॉपिक, चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट पूछी थी तो वो मैंने उनको सॉल्व कर दी थी। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। हम लोगों ने लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद चैप्टर 3, ठीक है। तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? द टर्म सिंपली रेफर्स टू द हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल फंक्शन। जिसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहें और इसके अलावा उनके फंक्शनिंग भी नॉर्मल रहे, ठीक है। हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। लेकिन सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है इसका, इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेशंस इसके साथ जुड़े होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से काफ़ी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और सोशल एस्पेक्ट्स तो हैं ही ऑब्वियसली। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, उन्होंने रिप्रोडक्शन को ना सिर्फ फिजिकली और फिनोमिनली फंक्शनली एक्टिव होने को ही सिर्फ हेल्दी नहीं माना, बल्कि इसमें जो इमोशनल एस्पेक्ट्स आते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आते हैं और सोशल एस्पेक्ट्स आते हैं, वो सब भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम एक पर्सन को रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहेंगे तो वो सिर्फ इस उस पर नहीं होगा, इस बेसिस पे नहीं होगा कि वो फंक्शनली एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव है या फिजिकली उसके ऑर्गन सब सही हैं। इसके अलावा उसकी जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, जो उसकी फैमिली है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरैक्शंस अमंग देम, ठीक है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, सेक्सुअल एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन्वॉल्व होती हैं, ओके। वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ? क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना? तो हम ये इस लेसन में पढ़ेंगे। 4.1 है ये और पेज नंबर है 57। इंडिया वॉज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इंडिया पहली कंट्री था जिसने कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सोसाइटी को इन्वॉल्व करा, जिसमें सोशल गोल भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स वर कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग, और इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कहा गया, और ये कब इनिशिएट हुए थे? अराउंड 1951 में, एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डेकेड्स, ठीक है। और इनकी पूरी असेसमेंट हुई इतने डेकेड्स में, मतलब इतने सारे सालों में। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स। मतलब ये वाला जो हमारा स्पेक्ट्रम है, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव एंड RCH प्रोग्राम्स कहा जाता है, वो भी इसी के अंडर आता है। इसमें ना सिर्फ हम लोग अवेयरनेस करते हैं अमंग पीपल रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कितने बच्चे होने चाहिए, उनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है, फैमिली प्लानिंग की क्या की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंडर आती हैं। विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब मीडिया के थ्रू भी और प्राइवेटली भी जो NGOs होते हैं और काफ़ी जो लोगों के हेल्प करते हैं, वैसे काफ़ी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि फ्री में जाके लोगों को काउंसलिंग करती हैं, उनके बारे में घर घर जाके उनको बताती हैं कि क्या उनको टेक्निक्स लेनी चाहिए फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग, क्यों लेनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, इसको हेल्थ और हाइजीन से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। पेरेंट्स हैं, टीचर्स से बात की जा सकती है, क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में काफ़ी हम लोगों को एक दूसरे से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। स्कूल में सेक्स एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही एज होती है जब एडोलेसेंस एज होती है बच्चों की, जब उनके दिमाग में क्वेरीज ज़्यादा होती हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस नहीं होते, एंड ड्यू टू एक सोशल डिलेमा बच्चे जो हैं डायरेक्टली बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से। तो
तो इस वक्त बहुत सेक्स एजुकेशन का स्कूल में होना इम्पॉर्टेंट है। अब तो खैर स्कूल्स में, जैसे हमारे स्कूल्स में भी कैंप्स भी लगते हैं और सेमिनार्स भी होते हैं, बाहर से लेक्चरर्स आते हैं जो कि बच्चों से डायरेक्टली बात करते हैं, डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं और डॉक्टर्स जो है बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अब तो खैर काफ़ी जागृति आ चुकी है काफ़ी टाइम से, लेकिन हाँ व्हेन वी वर इन द स्कूल तो इट वाज अ लाइक अ बिग थिंग। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एटसेट्रा वुड हेल्प पीपल, स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। बच्चों को जब आप बताएंगे नहीं कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसमें हेल्थ हाइजीन कैसे लिया जाता है, अगर बच्चे जो एडल्ट्स भी हैं 17-18 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग बताएंगे नहीं कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए ये स्कूल टाइम से ही स्टार्ट होना चाहिए कि जब हम बच्चों को इनके बारे में डिस्कस करें। ओके, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड एटसेट्रा वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फीमेल फैमिलीज ऑफ द डिजायर्ड साइज। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, दो बच्चों के बीच में कैसे गैप रखा जाता है और सेक्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्या है लाइफ में, मतलब जो फीमेल सेक्स है और मेल सेक्स है उसके अंदर हम लोग अंतर ना करें, दोनों बच्चों को एक जैसे पालें, तो ऑब्वियसली अगर इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे तो यू विल रेज गुड फैमिलीज, आपके जो सोशल डायलेमास है वो नहीं रहेंगे, सोशल स्टिग्माज आपके कम होंगे, जिसकी वजह से वी विल बिल्ड अ बेटर नेशन। ठीक है, तो इवेंचुअली कहानी ये है कि अगर हम इन चीज़ों को स्कूल लेवल पे शुरू करते हैं तो वी आर गोइंग टू मेक अ बेटर सोसाइटी, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस, बहुत लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, 18-19 साल में हो जाती है, दे डोंट नो कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की इम्यूनिटी कितनी डेवलप करती है, कितने हॉर्मोन्स होते हैं उसमें जो कि बच्चे के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लेटर लाइफ में उसके काम आते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल द पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्थी सोसाइटी। देखो, अगर क्लियर बात की जाए, ओपन बात की जाए सेक्स के बारे में, या फिर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। बहुत लड़कियाँ जो कि विदाउट नॉलेज प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, बेसिकली पढ़ाई रोक दी जाती है, घर से बाहर निकलना छोड़ते हैं। दीज आर सो मेनी थिंग्स कि अगर हम बच्चों को शुरू से सेक्स एजुकेशन दें, अवेयर करें कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे ही हमारी सोशल प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाएंगी। ओके, फिर है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. These are essential to provide the medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. कहने का मतलब ये है कि अगर जब हम लोग इन मीडिया के थ्रू या प्रोफेशनली हम बच्चों की हेल्प करते हैं या सपोर्ट मटेरियल वगैरह दिया जाता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता चल जाता है। जैसे डिलीवरी, बड़ी एंग्जाइटी होती है गर्ल्स को कि क्या होगा, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, वो मर तो नहीं जाएंगी, उनको ये दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस मतलब दैट रेज इन टू द माइंड ऑफ फीमेल हु आर प्रेग्नेंट। ये और उसके बाद इनफर्टिलिटी, कई लोगों के बेबीज नहीं हो रहे होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती है, तो दीज थिंग्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि ये वाले क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स मिल सके। ठीक है, जितने आंसर्स मिलेंगे उतने आप अवेयर होंगे, आप जितना अवेयर होंगे उतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आपके कम आएंगी, राइट। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। फिर ये है कि स्टैचुरी बैन है ऑन एमनियोसिंथेसिस टेक्निक पे,
एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें फीमेल के एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर उसमें जो अनोमलीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है और उनके प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाता है। लेकिन हमारे कंट्री में कई बार इनको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो वो गलत है। अब फीमेल सेक्स है तो अबॉर्ट करवा दिया जाता है, मेल है तो उसको रिटेन किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस इज़ अ टेक्निक जिसके कि फिर गलत भी उसको यूज़ किया गया, अब तो खैर टोटली बैन हो चुका है बताना भी हॉस्पिटल्स में भी और कहीं भी, कोई इस तरह की कोई वो नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये टेक्निक आई थी तो काफ़ी मिसयूज हुआ था इसका भी। अच्छा, फिर ये है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जो निकाला जाता है, ये ना सिर्फ सेक्स डिटरमिन करने के लिए निकाला जाता है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो, क्रोमोसोमल एबरेशन हो, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, डाउन सिंड्रोम हो, बहुत सारी चीज़ों का इससे पता लगाया जाता है। तो बेसिकली ये जब स्टार्ट हुआ था दैट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर चाइल्ड और मदर, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ किया गया और उसका मिसयूज़ अब बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, अच्छा फिर ये है कि डू यू नो दैट रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मैथड्स और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। अब जैसे कि देखो सहेली है, ये एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, ये डेवलप किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया में, और बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मेटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम एटसेट्रा, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। देखो, अगर हम लोगों को सेक्स रिलेटेड अवेयरनेस, मतलब इसके बारे में अवेयरनेस हमारे पास होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो पोस्ट नेटल केयर है, पोस्ट नेटल प्री नेटल होता है जो कि बिफोर बेबी होता है, पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बेबी डिलीवरी होने के बाद, तो अगर हम लोगों को अवेयरनेस है, नॉलेज है कि हमें कैसे प्रेगनेंसी में अपने आप को रखना चाहिए, क्या क्या खाना खाना चाहिए, डॉक्टर से हम डायरेक्ट बात करते हैं कैल्शियम और जो भी बॉडी को चाहिए प्रोटीन्स और जो भी चाहिए वो उसको हम कंप्लीट करते हैं, तो इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो जो हमारा फ्यूचर चाइल्ड होगा दैट ऑब्वियसली विल बी बेटर और हेल्दी होगा, तो वी आर मेकिंग अ स्ट्रांग सोसाइटी देन, राइट? तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है 12th class कि हाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो कोरिलेट। ठीक है, तो इस तरह के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और 5 नंबर का भी आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन ऐड ऑन। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। देखो, जब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बढ़ती है, तो ऑब्वियसली फिर लॉन्जिविटी भी बढ़ती है, आपकी लाइफ की जिंदगी भी बढ़ती है। However, increased health facilities along with the better living conditions had an explosive impact on the growth of the population. इसकी वजह से population growth बढ़ जाती है। जो population कभी हमारे 2 billion थी 1900 में, वो 6 billion हो गई 2000 में and 7.2 billion हो गई 2011 में। ठीक है, ये यहाँ तक का उन्होंने data दिया हुआ है। A rapid decline in the death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate as well as an increase in the number of the people in reproductive ages are probable reason for this. इसका reason क्या है कि decline हो गई death rate में, death rate तो कम हो गई, ठीक है, maternal mortality कम हो गई थी। पहले deliveries में ladies मर जाती थी क्योंकि छोटी उम्र में deliveries होती थी, they couldn't cope up and they used to die, but now because of the awareness programs, because of the education, ऑब्वियसली बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं वो भी पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद शादियां होती हैं 18 प्लस में होती हैं, तो दे हैव अ बेटर बॉडी टू अपहोल्ड द बेबी, तो जिसकी वजह से मोर्टैलिटी जो है वो कम हो गई है लेकिन फर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से ग्रोथ ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, राइट? तो ये मैं एक्चुअली भूमिका इसलिए मान रही हूँ कि क्यों ज़रूरत है हमें अवेयरनेस होने की, कि क्यों हम लोगों को बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के जो नॉर्मल फूड रिसोर्सेज है ना वो भी उनको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें जो उनका हक है। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट तो वी हैव टू यूज बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स, दैट इज़ द नीड ऑफ अस। ओके, अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज बाई यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स।
कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, ये जो सहेली आते हैं और ये जो निरोध वगैरह के जो एड्स आते हैं, दिस आर ऑल टू एग्रवेट द नॉलेज ऑफ पीपल सो दैट दे कैन, उनको पता चले कि मतलब पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हाउ मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि कंट्रोल हो सकता है. ओके, यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स इन द मीडिया एज वेल एज इन द पोस्टर्स ऑल्सो शोइंग अ हैप्पी फैमिली विद टू चिल्ड्रन, हम दो हमारे दो, लाइक सो दिस आर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, राइट. फिर उसके बाद है बहुत सारी टेक्निक्स, मतलब बहुत सारे जैसे सरकार ने वो योजनाएँ शुरू करी हैं, लाइक हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि वो लाडली की एक स्कीम होती है जिसमें जो इकलौती लड़की होती है फैमिली की, उसको मतलब प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप्स दिया जाता है, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है. इस तरह की काफ़ी सारी टेक्निक जो है, काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं बेसिकली वो सरकार ने शुरू करी हैं, जैसे कि वन चाइल्ड पे बच्चे मतलब जो पेरेंट्स हैं वो उसको फॉलो करें, या टू चिल्ड्रन पे करें, या सिंगल पे करें. तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार भी चलाती रहती है. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली. अच्छा, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव होना कैसे चाहिए, वॉट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव? कॉन्ट्रासेप्टिव इज दैट विच कंट्रोल्स योर फैमिली, ऑफकोर्स. सो तो वो क्या होना चाहिए, एक तो वो महंगा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है. सेकेंड ये होती है इफेक्टिव होना चाहिए, और तीसरा ये होता है कि इरिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब वापस नहीं आना चाहिए कि इसको हटा दिया तो फिर वापस प्रेगनेंसी का डर हो. तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए, और फीमेल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट दोनों पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव और द डिज़ायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र. और जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ना फिजिकली और ना इमोशनली, ठीक है. अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर पर्सनली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. 9th और 10th में भी मैंने ये पढ़ाया चैप्टर, जिसे मैंने आपको बताया था शायद कि इसमें बहुत सारे वो आती हैं, ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल और ट्रेडिशनल. दूसरा आ जाता है बैरियर्स. तीसरा IUDs आ जाते हैं. फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाते हैं. फिर इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं. इम्प्लांट्स आ जाते हैं. और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले जो मेथड करेंगे वो क्या करेंगे, नेचुरल मेथड्स करेंगे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबको समझ में आ गया, नीड ऑफ क्या जरूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने की वो भी समझ आ गया. फिर तीसरा ये चीज़ आ गई कि भाई बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, ठीक है. तो अब हम कॉन्ट्रासेप्शन के टेक्निक्स करेंगे. पहला तो आता है नेचुरल मेथड्स होते हैं, नेचुरल जो मेथड्स होते हैं वो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवरमैन स्पर्म मीटिंग. मतलब ये नॉर्मल टेक्निक्स हैं जो जनरली पुराने जमाने में भी यूज होती थी, कि एक तुक्का सा लगाया जाता था, एक थोड़ा सा अंदाजा सा लगाया जाता था कि किन दिनों में हम लोग अवॉइड किया जा सकता है जिससे कि बेबी ना हो, प्रेगनेंसी ना हो. तो इसमें पहला जो था वो पीरियोडिक एब्सटिनेंस था. दिस इज द वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17. क्या होता है कि 10 to 17 days में ओवुलेशन पीरियड काफ़ी हाई होता है, आपको पता है 10 to 15 days या 70 days में ओवुलेशन चल रहा होता है. तो उन दिनों में अगर कोइटस को अवॉइड किया जाए तो फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी ऑब्वियसली नहीं होगी, या कम चांसेस होते हैं, कम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है. और एज अ चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग द पीरियड, दिस इज नोन एज फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है. 10 to 70 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन दे आर द मोस्ट, जैसे कहते हैं ना कि फर्टाइल पीरियड होता है वो वाला. देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस ड्यूरिंग दैट पीरियड कंसेप्शन शुड बी प्रिवेंटेड. तो उसे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ भाई इन दिनों अवॉइड किया जा सकता है. फिर है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टर्स. फिर होता है विड्रॉल. क्या होता है विड्रॉल? क्या होता है कि जिसमें जो मेल स्पर्म्स होते हैं दे आर नॉट रिलीज इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है. तो ये एक तरीका होता है जिससे कि ये अवॉइड हो सकता है. तीसरा है लैक्टेशनल एमिनीरिया. लैक्टेशनल एमिनीरिया क्या होता है कि जब लैक्टेशन हो रही होती है, मदर की, मदर जब लैक्टेटिंग होती है, तो वो भी जो 2-4 महीने होते हैं, 6 महीने मैक्सिमम जब तक वो लैक्टेशन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी जो है वो कम होती है, ठीक है. तो पार्चुरेशन का जो वो टाइम होता है, एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली चांसेस ऑफ द कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल.
लेकिन ये भी कोई वी कैन गारंटी फॉर दोस। हाउएवर दीस मेथड्स हैव बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। मैंने पहले ही बोला ना कि 4 से 6 महीने तक का टाइम होता है जब कहा जाता है लाइक कि द मदर विल नॉट रीकंसीव, बट इट इज जस्ट प्रोबेबिलिटी नॉट श्योरिटी। सो दीज आर, इसलिए उनको नेचुरल मेथड्स कहा गया है कि ऐसा होता है, ऐसे पहले भी होता था, लेडीज जनरली ऐसे करती थी, मतलब जो भी सोसाइटी में यही सब चलता था। बट अब जो है क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं और डर भी गए हैं क्योंकि ये फेल, इनके फेल होने के चांसेस भी पूरे होते हैं। देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है, चांसेस ऑफ द फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो वेरी हाई। सो उसकी वजह से हम लोग और मेथड्स अपनाते हैं जिसमें कि पहला आ जाता है बैरियर मेथड। बैरियर के नाम से ही पता चल रहा है बैरियर क्या होता है कि द बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स, जिसमें कॉन्डम सबसे ज्यादा मेन होता है, ठीक है। एंड दीज आर द बैरियर्स दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और द वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर द कोइटस सो दैट द इजैक्युलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसमें जो सीमेन है फीमेल बॉडी में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। फिर उसकी बात है दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन, निरोध इसका आ जाता है एग्जाम्पल जो सरकार वो करती है, प्रोवाइड करती है। एंड यूज ऑफ द कॉन्डम्स हैज बीन इंक्रीज इन द रीसेंट ईयर्स ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम STDs। अच्छा, फिर कॉन्डम्स का मेन ये रहता है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी प्रिवेंट करता है, बहुत सेफ रहता है एंड दोनों पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और इमोशनली भी कोई ये बैरियर नहीं करता। सो दीज आर द बेस्ट यूज। अच्छा, इसके अलावा फीमेल्स में भी होते हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है कि डायफ्रैगम्स यूज़ किए जाते हैं, सर्वाइकल कैप्स होती हैं, वॉल्स होते हैं, वो भी बैरियर्स ही यूज़ होते हैं, रबर के बने होते हैं, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंसर्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से कोइटस का नहीं होता, मतलब क्वार्टस होता है लेकिन इन द सेंस कि देयर इज नो प्रेगनेंसी। दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बेसिकली बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स इनसाइड, राइट। और उसके बाद जो तीसरा इफेक्टिव मेथड है वो इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस होता है, IUDs। तो IUDs क्या करते हैं, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। फेगोसाइटोसिस आपको पता है, हम लोगों ने अमीबा में पढ़ा हुआ है, फेगोसाइटोसिस इज ईटिंग इट्स पार्ट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली ये स्पर्म्स को इमोटाइल कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म्स की एंट्री नहीं हो पाती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर IUDs आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी। दो बच्चों के बीच में जो डिफरेंस रखना होता है वो IUDs जो है दे आर द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। मल्टी लोड जिसमें जनरली यूज किए जाते हैं और ये बेस्ट रीजनेबल भी होते हैं और फीमेल की बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करते हैं। एक और आती है पिल्स होती हैं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, 21 डेज इनकी डोज होता है और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज ही ली जाती है। एंड ये भी काफ़ी यूजफुल है और ज़्यादा फीमेल को प्रॉब्लम नहीं होती इससे, लेकिन कभी कभी डिजीनेस और हेडेक्स और वॉमिटिंग की फीलिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से सम ऑफ द फीमेल्स अवॉइड दैट। अदरवाइज लेकिन फिर भी इट हैज़ अ लेस साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना। और आजकल तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी किया जाता है और इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपको मालूम है फीमेल हार्मोन्स हैं, ये दिए जाते हैं इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं। और उसके बाद विद इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस भी ये जो हैं इफेक्टिव रहते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। एंड दे अदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और रेप विक्टिम्स जहाँ पर होते हैं या जो बिल्कुल ही अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन मेथड्स भी कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, जब फीमेल को लाइगेट किया जाता है उसकी फेलोपियन ट्यूब्स को, तो उसको फेलोपियन ट्यूब की लाइगेशन कहा जाता है, ठीक है, और जिसको कि क्या कहते हैं ट्यूबेक्टोमी मीन्स फेलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट काट देना और उसको लाइगेट कर देना, ठीक है, ये ऐसे होता है, फेलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट कर दिया जाता है कट करके, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो जो स्पर्म्स मूव नहीं करेंगे उसके अंदर एग्स नहीं रिलीज होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। वैसेक्टोमी में भी होता है, जो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वैस डिफेंस इज रिमूव्ड उसको थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, फिर उसको टाई कर दिया जाता है, इंसिशन लगाया जाता है
और जिसकी वजह से देर इज नो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स एंड ऑब्वियसली नो प्रेगनेंसी. ठीक है, सो वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to the personal reasons. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये कोई regular हमारी requirement है, but the thing is कि अगर दो बच्चों के बीच में distance रखना है या pregnancies को थोड़ा delay करना है तो these are one of the best methods. And no doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking the growth of the population also. कई बार ये आ जाता है ना, why contraceptives are used, क्यों यूज़ किए जाते हैं. तो ऑब्वियसली वन ऑफ द रीज़न इज कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, दूसरा अपनी फैमिली को कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा हेल्थ एंड हाइजीन भी बार बार हैं. फीमेल की बॉडी है वो बार बार ख़राब ना हो उसकी, मतलब उसको फिजिकली इतनी परेशानी ना हो, बार बार की प्रेगनेंसीज जो होती है फीमेल को वीक कर देती है अंदर से, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स, मैंने पहले बताया ना कि इनके इल इफेक्ट्स भी कई बार होते हैं. नॉजिएटिंग हो जाता है, एब्डोमिनल पेन्स हो जाती हैं, अच्छा ब्लीडिंग भी हो जाती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, एंड इररेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चलती है, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है. दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन दे कैन नॉट बी इग्नोर टोटली. मतलब दीज आर सम पॉइंट्स विच हैव बीन टेकन इन टू द कंसिडरेशन वाइल यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स. ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग MTP करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, जिसमें हम लोग अबॉर्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और अभी फिलहाल कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.